बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिज़वान। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर और साइकोलॉजिस्ट कम सोशल केस वर्कर की जॉब्स आई हुई हैं पूरे केपीके के अंदर, जिसमें आपने अप्लाई भी किया हुआ है। तो उसके सिलेबस के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है केपीके चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर एक्ट 2010। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी आपको पता है सिलेबस में, वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज से हम लेक्चर 1 को लेकर चलेंगे और पूरा सिलेबस जो आपका है इंक्लूडिंग दिस इम्पॉर्टेंट एक्ट हम स्टडी करेंगे। इसके अंदर JJS वाला भी एक एक्ट है, वो भी हम शामिल करेंगे। साथ उसकी यूनिसेफ की जो वेबसाइट है उसको भी हम विजिट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन चाइल्ड जो है चाइल्ड चिल्ड्रन राइट्स के बारे में हमारा आइन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हम उसको भी स्टडी करेंगे। तो ये लेक्चर 1 से सारी की सारी चलेगी। फिलहाल जो हमारे पास फर्स्ट 7-8 लेक्चर हैं वो इस एक्ट के बारे में है, जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर एक्ट 2010 केपीके के अंदर जो पास हुआ था। आज इसका पार्ट 1 है, सेक्शन 1 और 2 सिर्फ डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है प्रिलिमिनरी। तो स्टार्ट करते हैं पहले सेक्शन से। सेक्शन 1 जो होता है किसी भी एक्ट का, चाहे वो किसी भी सूबे के हो, तो उसको हमेशा शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट और कमेंसमेंट के नाम से होता है, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि ये एक्ट कहाँ लागू होगा, किस सूबे में लागू होगा, किस जगह तक इसके लागू और ये कब से लागू होगा। तो भाई इसके अंदर जो पहला पॉइंट है वो ये है कि ये केपीके इसका नाम जो है, टाइटल बताया हुआ है कि इसका नाम है खैबर पख्तूनख्वा चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर एक्ट 2010, तो इसको इस नाम से जाना जाएगा। साथ इसका सूबा बताया कि ये सिर्फ केपीके सूबे तक लागू है, क्योंकि केपीके गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव पास किया था असेंबली के अंदर। और ये जो है इट शैल कम इन टू फोर्स, और ये एडवांस यानी ये जैसे ही पास होगा उसी टाइम ये पूरे सूबे के अंदर लागू उसी वक्त हो जाएगा। ये नहीं होगा कि आधा अब लागू हो रहा है आधा बाद में। तो ये पहला जो है, ये किसी भी एक्ट, जो भी आप एक्ट स्टडी कर लें उसका यही चीज़ शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट होती है। सेक्शन 2 जो होता है वो हमेशा एक्ट का डेफिनेशन बेस्ड होता है, चाहे जो मर्जी आप एक्ट देख लें। तो डेफिनेशंस क्या होती हैं, जो पूरा एक्ट हम पढ़ेंगे उसके अंदर जो लफ्ज इस्तेमाल होंगे उन लफ्ज़ों का आपको पता होना चाहिए कि उसके पीछे इनकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या छुपी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशंस को। सबसे पहली डेफिनेशन है बैगिंग। बैगिंग का मतलब होता है मांगना। तो ये भाई इससे मुराद है कोई भी खैरात सदकात वगैरह के लिए अगर कोई हाथ फैला रहा है पब्लिक प्लेस पे या प्राइवेट प्लेस पे, वो बैगिंग के अंदर ही आएगा। साथ ये या वो अब नुमाइश कर रहा है या जाहिर कर रहा है किसी भी किस्म के कोई ज़ख्म को, कोई इंजरी को, कोई डिफॉर्मेटी होती है उसको, यानी कोई जिस्म में कोई नुक्स है, हाथ पांव टूटे वगैरह हुए हैं, या कोई डिजीज़ है उसकी वो एक्सपोज करके, उसकी नुमाइश करके जो है वो ज़कात या सदकात मांग रहा है, तो ये भी बैगिंग के अंदर आएगा। या फिर वो बंदा क्या है, या वो इस तरह की बातें कर रहा है कि भाई मेरे पास तो कोई जगह नहीं है और मैं दर बदर फिर रहा हूँ, मेरे पास कोई वसाइल नहीं है, तो इस चीज़ों को सामने रखते हुए भी अगर वो मांग रहा है ज़कात सदकात, तो ये भी बैगिंग के अंदर आएगा। तो ये तीन चीज़ें बैगिंग के अंदर आती हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। इससे मुराद वो तमाम एक्शंस होंगे जो बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सर्वाइव करने के लिए, उसको डेवलपमेंट करने के लिए और उसकी पार्टिसिपेशन जो है आम रूटीन की चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए जो है ये कोशिश होगी, और ये पब्लिक या प्राइवेट कोई भी बॉडी कर सकती है। तो बेस्ट इंटरेस्ट से मुराद ये है कि भाई उसको हिफाजत दी जाए, उसकी बका की जाए, उसकी तरक्की की जाए, उसकी शमूलियत की जाए बच्चों की। नेक्स्ट हमारे पास है जी ब्रोथल। ब्रोथल क्या होता है जी? ब्रोथल कहते हैं हम जनागाह आप कह लें, या इसको कह लें जिस्म फरोशी के अड्डे। तो भाई जहां ऐसा घर या ऐसा रूम या ऐसी कोई भी जगह जहां पर जिस्म फरोशी के लिए जो है जो सहूलियात दी गई हो, तो उसको हम ब्रोथल कहते हैं। तो जो इस लफ्ज एक्ट के अंदर लफ्ज यूज होगा। नेक्स्ट है चाइल्ड एट रिस्क। इसके अंदर टोटल 11 जो हैं वो बातें हैं जो चाइल्ड एट रिस्क के अंदर आती है, कि किस बच्चे को रिस्क पे कहा जाएगा कि ये बच्चा जो है खतरे में है या परेशान है या इसकी जो है केयर की ज़रूरत है। तो चाइल्ड एट रिस्क का जब लफ्ज़ आएगा तो इससे मुराद ये 11 के 11 जो है चीज़ें हो सकती हैं। तो भाई सबसे पहली चीज़ क्या है कि अगर बच्चा जो है वो यतीम है, ठीक है, और डिसेबिलिटी या वो अपाहज है, या वो माइग्रेंट वर्कर है, या वो कहीं काम मजदूरी वगैरह करता है, या उसका घर नहीं है और वो स्ट्रीट पर रहता है, गली में रहता है यानी बाहर रहता है, या फिर वो
या फिर वो जो है क्या कहते हैं किसी कानूनी झगड़े की वजह से वो बच्चा जो है वो अकेला है या किसी झगड़े के अंदर है, या फिर वो बहुत ज़्यादा ही गरीब है, गुर्बत में रह रहा है, तो वो बच्चे को हम कहेंगे चाइल्ड एट रिस्क। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा, अगर वो बैगिंग करता है यानी भीख मांगता नजर आता है तो वो भी बच्चा भी चाइल्ड एट रिस्क है। अगर उसका घर नहीं है, वो घर के बगैर रह रहा है और उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे वो रह सके और अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो सबसिस्टेंस यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी की सहूलियात अपना ले, तो वो अगर उसके पास चीज़ें नहीं हैं तो वो बच्चा भी चाइल्ड एट रिस्क के अंदर आता है। तीन बातें होगी। चौथा बच्चा वो जो जिसके पेरेंट्स जो हैं उनका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, हैज़ अ पेरेंट और गार्डियन हु इज़, अच्छा ऐसा कोई पेरेंट या गार्डियन उसका है जो उसके लिए मुनासिब नहीं है, जो उसके साथ जो है उसकी सही तरबियत और कंट्रोल नहीं कर रहा, तो ऐसा बच्चा भी जो आता है किसके अंदर, चाइल्ड एट रिस्क के अंदर आता है। या वो बच्चा जो कहाँ रहता है, जिस्म फरोशी के अड्डों में रहता है, सही है। और एक सेकेंड, वो जिस्म फरोशी के अड्डों में रहता है या वहाँ पर उसका आना जाना है किसी वजह से, या किसी किस्म की जिस्म फरोशी के अंदर वो बच्चा जो है इन्वॉल्व है, तो उस बच्चे को भी हम कहेंगे चाइल्ड एट रिस्क। तो ये पांच पॉइंट आपके सामने हो गए हैं। छठवां यह है कि ऐसा बच्चा जिसको अब्यूज़ किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है यानी उसको तंग किया जा रहा है, इमोरली गैर इखलाकी तौर पर या इलीगली गैर कानूनी मकसद के लिए जो है उसको गालियाँ दी जा रही हैं या उस पर तशद्दुद किया जा रहा है या उसके ऊपर साथ जुल्म किया जा रहा है, तो वो बच्चा भी चाइल्ड एट रिस्क पे आएगा। ऐसा बच्चा जो पेरेंटल कंट्रोल से बाहर निकल गया है यानी काबू से बाहर हो गया, उस बच्चे को भी हम चाइल्ड एट रिस्क में कहते हैं। या वो बच्चा जिसकी माँ जो है वो जेल में है और वो या जेल में पैदा हुआ है, तो उस बच्चे को भी हम चाइल्ड एट रिस्क में कहते हैं। या वो बच्चा जिसके माँ बाप जो हैं वो चले गए हैं, वो या मतलब के बिछड़ गए हैं या फौत हो चुके हैं और उसके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, तो वो बच्चा भी चाइल्ड एट रिस्क में आता है। या कोई बच्चा जो फेंसेबल पनिशमेंट पनिशेबल हो यानी उसके ऊपर कोई जुर्म साबित हुआ और वो मुजरिम हो, या उसके गार्डियन वगैरह जो हैं वो मुजरिम है और वो उस वजह से अकेला हो गया है, तो वो भी किसके अंदर आता है, चाइल्ड एट रिस्क के अंदर। इसी तरह वो बच्चे जिनको छोड़ दिया जाता है तन्हा और वो बगैर पैदा होते हैं शादी के, यानी शादी नहीं थी तो जना के नतीजे के अंदर कोई बच्चा पैदा हुआ, तो माँ बाप ने उसको जो भी उसके पेरेंट्स थे जो मतलब शादी के बगैर जो उसके माँ बाप थे उसने उसको छोड़ दिया है, तो वो बच्चे जो रह जाते हैं जिसको आप कह लें कि जो छोड़ जाते हैं माँ बाप नहीं रखते, तो उसको जो है वो भी बच्चा भी आएगा किसके ऊपर, चाइल्ड एट रिस्क के ऊपर। तो ये 11 बातें हैं जिसकी बुनियाद पर आप चाइल्ड एट रिस्क कह सकते हैं। दूसरी है जी चाइल्ड पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी से मुराद नाजेबा वो तस्वीरें या वीडियोस या ऐसी कोई भी चीज़ जिसके अंदर नाजेबा हरकत दिखाई गई हो, और बिलखसूस अगर वो बच्चों की हैं तो उसको हम चाइल्ड पोर्नोग्राफी कहते हैं। तो इसकी जो किसे मुराद जो है किसी भी किस्म की कोई बगैर, अच्छा इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, विद और विदाउट कंसेंट का लफ्ज़ आ रहा है, यानी बच्चे की मर्जी हो या ना हो, इस तरह की कोई भी चीज़ जो कंप्यूटर जनरेटेड इमेज हो, कोई पोर्ट्रेट हो, कोई पिक्चर हो, कोई वीडियो हो, कोई फिल्म हो, कोई फोटोग्राफ हो, कुछ भी चीज़ आए, तो वो सारी की सारी जिसके अंदर बच्चे को जो है वो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट नज़र आ रही है, उसकी एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं, तो इसको आप कह सकते हैं कि भाई ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंदर आता है। इसके अंदर मज़ीद अगर हम बात करें तो विजुअल डिपिक्शन जिसके अंदर बच्चों की माइनर जो हैं वो इंगेज नज़र आ रहे हैं इस चीज़ के अंदर, साथ उसकी कोई डिजिटल इमेज हो या कंप्यूटर इमेज हो वगैरह वगैरह, या कंप्यूटर जनरेटेड इमेज हो और उसके अंदर भी इस तरह की कोई इंगेजमेंट नज़र आ रही है बच्चों की, तो वो भी इस चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आएगी। इसके अलावा कोई ऐसी हार्ड डिस्क है या कोई ऐसा यूएसबी है या कोई भी ऐसी स्टोरेज डिवाइस है जो कंप्यूटर के साथ या किसी भी गैजेट के साथ लगा सकते हैं और उसके अंदर आपको इस तरह के मवाद मिलता है, नाजेबा मवाद जिसके अंदर बच्चों के साथ ज्यादती या जो है नाजेबा हरकत वगैरह दिखाई जा रही है, तो ये सारा कुछ चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंदर आता है। इसके बाद है चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूशन। इससे मुराद वो सारे के सारे जो इदारे हैं वो आएंगे जहाँ पर बच्चों की जो रिहेबिलिटेशन है, उनकी दोबारा से तामीर जो है या उनकी जो इसलाह है वो की जा रही है। इसके अंदर कफालत घर भी हैं, चिल्ड्रन होम भी हैं, ऑर्फनेज यानी यतीम खाने भी हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूशंस के अंदर।
नेक्स्ट बात करते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन होगा जी, वो जो अपॉइंट किया जाएगा, आप जिसके जरिए अपॉइंट होंगे, और ये सेक्शन 11 के अंदर लिखा हुआ है, डिटेल्स तो हम सेक्शन 11 जब पढ़ेंगे तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को देखेंगे। इसी तरह चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट क्या होता है, ये एक यूनिट बनाया जाता है जो लोकल एरिया का होगा, इसका सेक्शन 9 में लिखा हुआ है, तो हम डिटेल से इसका भी पढ़ेंगे। चाइल्ड ट्रैफिकिंग क्या होता है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग ये होता है कि बच्चे को खरीदना और आगे कहीं बेच देना या अगवा करके जो है आगे किसी को बेच देना, तो इसको चाइल्ड ट्रैफिकिंग कहते हैं। परचेजिंग खरीदना, सेलिंग बेचना, हार्बोरिंग ट्रांसपोर्टिंग लेके जाना, और प्रोवाइडिंग या डिटेनिंग और ऑब्टेनिंग अ चाइल्ड थ्रू आपने किडनैप करके किया है या एबडक्ट करके किया है, किसी भी तरीके से आपने बच्चे को कहीं से हासिल किया और उसको फिर बेच रहे हैं और कहीं लेके जा रहे हैं वगैरह पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, तो इस मकसद को जो भी चीज़ है इस सारी को चीज़ को, और उसका मकसद क्या होगा, ये पर्पस ऑफ इंटरटेनमेंट, यानी इंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है, और पैसों के लिए जो आप ये अगर ये काम कर रहे हैं तो ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अंदर आता है। कोड से क्या मुराद है, पाकिस्तान के किसी भी लफ्ज में अगर लफ्ज कोड आता है तो कोड से मुराद कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 ये होता है। और ये मैं से पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि अगर पेपर एमसीक्यूज रिलेटेड आ रहा है ना आपका, तो उसमें ये जो 1898 है, एक्ट 5 है, या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इसका पूरा नाम क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो ये लाजमी याद करिएगा इसके सन वगैरह और इसका प्रॉपर नाम और वगैरह वगैरह। उसके बाद कमीशन की बात करते हैं, तो कमीशन आपका सेक्शन 3 में डिटेल से लिखा हुआ है। कमीशन क्या होता है, कमीशन 10-12-15 बंदों की अगर वो पढ़ेंगे तो बंदों की एक वो जो एक टीम होगी उसको हम कमीशन कहते हैं, जो सारा काम करेगी। मजीद हम डिटेल आगे इसका सेक्शन 3 के अंदर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अच्छा जी, कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या होता है जी, कॉर्पोरल पनिशमेंट होती है इंटेंशनल जानबूझकर, ठीक है, कोई फिजिकल फोर्स के साथ, ठीक है, आप हाई डिग्री पेन देते हैं, कोई दर्द देते हैं किसी बच्चे को ताकि उसका जो है वो, चाहे उसका मकसद जो है वो डिसिप्लिन हो, करेक्शन वगैरह हो, या उस पर काबू पाना हो, या उसके बिहेवियर को चेंज करना हो, या उसकी जो बिलीव्स हैं, जो उसके अकायद हैं उसको तब्दील करना हो, कुछ भी चीज़ है इस लिहाज से लेके आते हैं, और वो रिजल्ट करती है उसको इंजरी के अंदर, उसको साइकोलॉजिकल जहनी उसको परेशानी देती है, उसका जहन तबाह करती है, उसको पागल बनाती है, या उसको महरूम कर देती है किसी चीज़ से, महरूम बना देती है। तो इस तरह का जो भी पनिशमेंट है, ये मार धाड़ है बच्चे के ऊपर, तो उसको हम कॉर्पोरल पनिशमेंट कहते हैं, ठीक है जी। फॉस्टरेज क्या होता है जी, फॉस्टरेज वो तरीकेकार है जिसके जरिए जो है आप किसी बच्चे की वो माँ जो उसकी असली माँ नहीं है, जिसे रजाई माँ कहते हैं, वो उसको अगर पाल रही है, उसको दूध पिला रही है, तो इस चीज़ को फॉस्टरेज कहते हैं। फंड से मुराद चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर फंड होगा, जो सेक्शन 14 के अंदर जिक्र होगा। अगर लफ्ज़ फंड आ रहा है तो इस फंड से मुराद चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर फंड है। गवर्नमेंट से अगर लफ्ज आएगा तो गवर्नमेंट में, क्योंकि केपीके का है तो सिर्फ केपीके की गवर्नमेंट होगी, अगर नेशनल असेंबली का होता है तो फेडरल गवर्नमेंट या पूरे पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स की बात होती है। अच्छा जी, आगे है कफालत। कफालत से मुराद क्या है, इससे मुराद पेमेंट के साथ किसी भी इदारे के लिए आप उसको जो है उसके एजुकेशनल एक्सपेंसेस उठाते हैं, या उसको बच्चे की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई चीज़ करते हैं तो उसको कह देते हैं इस बंदे ने इसकी कफालत ली है। मेंबर क्या होंगे जी, जो कमीशन आपको मैंने बताया, एक टीम होगी 15 से 20 बंदों की, जो भी आगे पढ़ेंगे कितने बंदों की है, तो उसकी जो टीम है उसके हर बंदे को मेंबर कहेंगे, ठीक है, उसको भी देखेंगे वो कौन कौन से है जी। नार्कोटिक ड्रग्स क्या होती है, नार्कोटिक ड्रग्स से वो मुराद है जो मंशियात के अंदर आती हैं, ठीक है, और इसका एक्ट कौन सा है जी, कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997, तो ये 1997 का जो एक्ट है, एक्ट नंबर 25, तो ये उसके अंदर जो जो ड्रग्स की गई हैं, जो जो ड्रग्स को डिफाइन किया गया, तो वो नार्कोटिक ड्रग्स सारी की सारी इसमें आएंगी। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब है कि जो इस अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के जितने भी असूल हैं उनके मुताबिक, जहां भी लफ्ज प्रिस्क्राइब्ड है तो इसका मतलब है कि इस एक्ट के असूलों के मुताबिक बात हो रही है। प्रोटेक्शन का मतलब क्या होगा, प्रोटेक्शन का मतलब होगा उसको केयर देना, शेल्टर देना, मेंटेनेंस देना, एजुकेशन देना, प्रोविजन और फैमिली, उसको एक घरेलू माहौल देना, फैमिली एक पेरेंटल वैलदैन का और फैमिली का एक माहौल देना, और उस बच्चे की जो है अगर उस बच्चे को फॉस्टरेज यानी कि आपको पढ़ा है आपने कि रजाई माँ के जरिए अगर उसको माहौल मिल रहा है तो वो भी देना पड़े तो जरूर दें, तो ये सारा का सारा प्रोटेक्शन के अंदर ये सारी डेफिनेशन आती है। प्रोविंस का मतलब आएगा तो केपीके प्रोविंस की बात हो रही होगी। रेगुलेशन एंड रूल्स की बात आएगी तो सेक्शन 62 के अंदर जो रूल्स लिखे हैं उसके मुताबिक बात होगी। सेक्शन से मुराद इस एक्ट का सेक्शन होगा, ठीक है, किसी और एक्ट का नहीं। सेक्सुअल अब्यूज क्या होता है जी, सेक्सुअल अब्यूज बेसिकली क्या है, इंप्लॉइंग, यूजिंग, फोर्सिंग, परसुएडिंग, इंड्यूसिंग, इंड्यूसिंग और क्वेसिंग
एनी चाइल्ड टू इंगेज, अगर हम किसी बच्चे को भी ज़बरदस्ती इस्तेमाल कर रहे हैं या उसको तरजीह दे रहे हैं या उसको तरबियत ऐसी कर रहे हैं कि वो इन्वॉल्व या उसको जो है इंगेज कर रहे हैं किसके अंदर, ऐसी चीज़ के अंदर जो कहाँ ले जाए, फॉन्डलिंग के अंदर, स्ट्रोकिंग के अंदर, केरेसिंग के अंदर, एग्जिबिशनिज्म के अंदर और वॉयरिज्म के अंदर। अब ये क्या चीज़ें हैं जी? फॉन्डलिंग होता है जी ऐसा तरीका जिसमें आप प्यार मोहब्बत से बुरा टच करते हैं किसी बच्चे को, तो उसको हम कहते हैं फॉन्डलिंग, यानी कि नरमी नरमी से हाथ लगा के अपना जो है वो एक सेक्सुअल जो अपनी एक जो होती है ना हवस वो पूरी कर रहे हैं, तो उसको फॉन्डलिंग कहते हैं। स्ट्रोकिंग होते हैं मारपीट कर अगर आप ये अपना जो है वो पूरा कर रहे हैं, एक साइकोलॉजी अपनी बीमारी पूरी कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह एग्जिबिशन यह है नुमाइश करके उसको जिसम जो है देख कर आप जो है उसको नुमाइश कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी सेक्सुअल अब्यूज़ के अंदर आती है। वोयरिज्म यह है कि अगर कोई और बंदा सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा है, यानी अगर कोई और इसमें एक्टिविटी कर रहा है, आप सिर्फ उसको देख के लुत्फानंदोज हो रहे हैं, तो ये भी सेक्सुअल अब्यूज़ के अंदर आता है, या फिर उसके साथ गलत हरकत, सेक्सुअली आप खुद इन्वॉल्व होते हैं करने में, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये सेक्सुअल अब्यूज़ में आती हैं। अगेन मेरा वहाँ पे पॉइंट है जो मैंने पहले बात किया, विद और विदाउट हिज कंसेंट, बच्चे की मर्जी हो या ना हो, ये चीज़ गलत है ये जो आपके सामने है, तो ये सेक्सुअल अब्यूज़ के अंदर आती हैं सारी बातें। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है सूटेबल पर्सन। सूटेबल पर्सन से वो मुराद होगा जिसको कोर्ट कहेगी कि ये बच्चे के लिए बंदा ठीक है, उसका चाचा है, ताया है या कोई और बंदा है कि भाई हाँ ये इस बच्चे की अच्छी कफालत कर सकता, तो सूटेबल पर्सन से वो बंदा मुराद होगा जिसको अदालत जो है वो चाइल्ड एड्रेस वाले बच्चे को जो है कस्टडी देगी किसी खास बंदे को, तो वो बंदा सूटेबल पर्सन कहलाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर ये बात की जा रही है, ये जो आपके पास पॉइंट टू है इसके अंदर बेसिकली फोकस ये किया हुआ है कि जो डेफिनेशन इसमें बयान किए हैं वो ठीक हैं, अगर कोई डेफिनेशन किसी और एक्ट के अंदर बताई गई है और वो इससे मिलती जुलती है, इससे इख्तलाफ नहीं करती, तो वो भी उसकी डेफिनेशंस को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। और इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये आपके सामने मैंने अभी स्टार्ट में बात की थी, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000, तो ये जो ऑर्डिनेंस है तो इस ऑर्डिनेंस की के अंदर भी जो लिखी हुई है या इससे मिलते जुलते फेडरल के या किसी और सूबे के भी लाएं, उनमें भी कोई डेफिनेशंस अगर हैं तो वो भी आप उसको इसमें कंसीडर कर सकते हैं। तो ये पॉइंट था आज का। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर का टेस्ट प्रिपरेशन आपके सामने चलती रहेगी। तमाम लेक्चर्स के लिए यहाँ पर क्लिक करें, नेक्स्ट लेक्चर के लिए यहाँ पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शंस जो हैं वो तसल्ली से सुकून से पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।